गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज दिन भर की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरों में भारत में 3 मई के बाद भी बढ़ सकता है लॉकडाउन। कब और कैसे खत्म होगा लॉकडाउन, जानेंगे एक्सपर्ट्स की राय। इसके अलावा क्या 4 मई से चलने लगेंगी ट्रेनें, रेल मंत्रालय बना रहा स्पेशल प्लान, जानिए क्या होंगे नए नियम, जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा 33 करोड़ लोगों के खाते में सरकार ने जमा किए 31,235 करोड़ रुपए, किनको मिला पैसा, जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा अब सभी कर्मचारियों को मिलेगी ये सुविधाएं, केंद्र सरकार ने कहा लॉकडाउन के बाद अनिवार्य रूप से लागू करें, जानेंगे विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। ये वीडियो ध्यान से आखिर तक देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो जाए। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि आपके घर में किसी भी सदस्य का राशन कार्ड है या नहीं, अगर है तो कौन से कलर का है। तो दोस्तों सबसे पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताज़ा अपडेट। तो आपको बता दें भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये संख्या 23,000 से ज्यादा हो चुकी है। इनमें से 17,300 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है और 5,000 से अधिक मामले ठीक हो चुके हैं। और आपको बता दें कि 720 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बात करें पूरी दुनिया भर की तो अब तक की अपडेट के अनुसार 26,92,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 1,88,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7,38,000 से अधिक लोग सही हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में कब और कैसे खत्म होगा लॉकडाउन, जाने एक्सपर्ट्स की राय। 2 चरणों में 40 दिनों के लिए भारत बंद है। भारत बंद की फिलहाल आखिरी तारीख 3 मई है, पर 3 मई के बाद क्या होगा? क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और भारत खुल जाएगा? तो इस सवाल का जवाब आप जाने, उससे पहले एक अहम जानकारी। देश और दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत में कोरोना की असली तस्वीर अप्रैल के आखिर और मई के पहले 2-3 हफ्तों में सामने आएगी। शायद इस दौरान कोरोना अपने पीक पर होगा। तो जब कोरोना अपने पीक पर होगा तो लॉकडाउन का क्या होगा, ये वो सवाल है जिनका जवाब हर देशवासी जानना चाहता है। मगर ये सवाल जितने आसान है जवाब उतने ही पेचीदा है। देश और दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों की नज़र भी इसी सवाल पर है, पर जवाब अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं। क्या भारत में जुलाई के बाद हटेगा लॉकडाउन? अमेरिका की बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी कि BCG ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से मिले डेटा के आधार पर दुनिया के 20 देशों का ये कोरोना चार्ट तैयार किया है। इसके मुताबिक चीन को छोड़कर किसी भी देश में जुलाई से पहले लॉकडाउन नहीं हटने वाला है, और अगर हटता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। रही बात चीन की, तो जिस हुबेई प्रांत में कोरोना का सबसे ज्यादा असर हुआ और जिस प्रांत में कोरोना का एपिसेंटर वुहान है, वो इसी सूबे में पड़ता है। यहाँ 8 अप्रैल को लॉकडाउन खुलने का अनुमान लगाया गया था और हुआ भी ऐसा ही। चीन ने हुबेई में वुहान को छोड़कर 8 अप्रैल को लॉकडाउन हटा दिया, क्योंकि यहाँ उसके बाद कोरोना के मामले ही आने बंद हो गए थे। मगर दुनिया के प्रेशर और चीन में मौत के आंकड़ों पर उठ रहे सवाल के बाद यहां अचानक करीब 1300 मौत के आंकड़े दर्ज किए गए। BCG ऐसा अनुमान लगा रही है कि भारत में ये लॉकडाउन जून के आखिरी हफ्ते से लेकर सितंबर के दूसरे हफ्ते तक चल सकता है। इसके बाद भी हालात की संवेदनशीलता को देखकर ही भारत सरकार को ये लॉकडाउन हटाना या उसमें रियायत देने का फैसला लेना होगा। मगर इससे पहले लॉकडाउन हटाना भारत के लिए मुश्किल भरा फैसला हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भारत में कोरोना पॉजिटिव केसेस की बाढ़ सी आ जाएगी और देश के मौजूदा मेडिकल सिस्टम के हिसाब से इसे संभाल पाना मुश्किल होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। तो क्या 4 मई से चलने लगेंगी ट्रेनें, रेल मंत्रालय बना रहा है स्पेशल प्लान, जानिए क्या होने वाले हैं नए नियम। भारतीय रेलवे ने 3 मई तक अपनी सारी पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। यही नहीं, उसने 3 मई के बाद के रेलवे रिजर्वेशन को भी बंद कर दिया है। इसका सीधा मकसद रेल मुसाफिरों को संदेश देना है कि 4 मई को लेकर वो कोई अंदाजा ना लगाएं और ना ही रेलवे स्टेशनों की ओर जाएं।
रेलवे लॉकडाउन के बाद जब भी ट्रेनें चलाएगा तो वो केंद्र की हरी झंडी के बाद ही चलाएगा। केंद्र भी इस मसले पर सभी राज्यों से बातचीत के बाद ही कोई निर्देश जारी करेगा। इस बीच जिस तरह से कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, उससे ये साफ है कि ट्रेनों का ऑपरेशन जब भी शुरू होगा वो कोरोना के डर के साए में ही होगा। इसलिए रेलवे में भी अलग अलग जोन और डिवीजन के अधिकारी कई तरह की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। ट्रेन शुरू होने पर पहले केवल कुछ चुनिंदा ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये स्पेशल ट्रेनों की तरह होंगी और इनका किराया ज्यादा रखा जाएगा। इससे शुरू में ट्रेनों में भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी और केवल वही लोग यात्रा करेंगे जिनके लिए ये बेहद जरूरी होगा। रेलवे ने 19 मार्च से ही दिव्यांगों, स्टूडेंट्स और मेडिकल ग्राउंड पर टिकटों पर मिलने वाले कंसेशन के अलावा सभी छूट पर रोक लगाई हुई है। इसका मकसद ट्रेनों में भीड़ को कम करना था, खासकर वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेनों की यात्रा से दूर रखना था। संभावना यही है कि फिलहाल रेलवे अपने इस आदेश को जारी रखेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यात्रा से दूर रखा जाए। रेलवे शुरू में केवल स्लीपर क्लास के कोच वाली ट्रेन चलाएगा। इसमें केवल उन्हीं लोगों को यात्रा करने दिया जाएगा जिनके पास कंफर्म टिकट होगा। इससे जनरल क्लास के डब्बे वाली भीड़ से बचा जा सकता है। दूसरी तरफ एसी डब्बे के बंद माहौल में संक्रमण की संभावनाओं को भी स्लीपर ट्रेन से टाला जा सकता है। रेलवे ने स्लीपर क्लास के 5000 से ज्यादा डब्बों को आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया है। इसके लिए बीच की एक सीट को हटा दिया गया है। हालांकि अभी आइसोलेशन वार्ड के तौर पर इन डब्बों की जरूरत नहीं पड़ी है। साथ ही गर्मी की वजह से फिलहाल इनके उपयोग की संभावना भी कम है। ऐसे में रेलवे इन डब्बों से स्लीपर 2 के तौर पर स्पेशल क्लास की ट्रेनें भी चला सकती है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में भी मदद मिलेगी। शुरू में ट्रेनें केवल चुनिंदा स्टेशनों के बीच चलाई जाएंगी और जिन इलाकों में कोरोना के ज्यादा मामले आ रहे हैं वहां से ना तो कोई आएगा और ना तो कोई ट्रेन जाएगी। रेलवे के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने लाखों कर्मचारियों और मुसाफिरों को सुरक्षित रखने की है। उसे स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक सभी तरह के प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना है। ऐसे में मुसाफिरों के लिए ट्रेन सेवा जब भी शुरू होगी, रेलवे के ऊपर हर किसी की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसलिए वो ट्रेन ऑपरेशन के लिए कई तरह की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। अब सभी कर्मचारियों को मिलेगी ये सुविधाएं, केंद्र सरकार ने कहा लॉकडाउन के बाद अनिवार्य रूप से लागू करें। केंद्र सरकार ने सभी नियोक्ताओं के लिए अपने कर्मचारियों को मेडिकल इंश्योरेंस उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है। इस नियम को लॉकडाउन खुलने के बाद सभी नियोक्ताओं के लिए लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद अब हर कंपनी या संस्था को अपने कर्मचारियों का मेडिकल इंश्योरेंस कराने की सुविधा देनी होगी। IRDA ने इंश्योरेंस के लिए जारी किए सर्कुलर। इस संबंध में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी जनरल और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस से कहा है कि वो व्यक्तिगत और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर करने की तैयारी करें। इरडा ने ये कदम इसलिए उठाया ताकि सभी नियोक्ता सरकार के इस नियम का पालन कर सकें। बता दें कि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस की मदद से नियोक्ता अपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। 33 करोड़ लोगों के खाते में सरकार ने जमा किए 31,02,035,00,000 रुपए। किन को मिला पैसा? वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को जानकारी दी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 33 करोड़ से अधिक गरीबों को 31,02,35,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। बता दें कि 26 मार्च 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने COVID-19 के कारण लॉकडाउन के प्रभाव से बचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की थी। सरकार ने PMGKP के तहत मुफ्त अनाज और महिलाओं, बुजुर्गों व किसानों को कैश ट्रांसफर करने का ऐलान किया है। 33 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 20.5 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों के खाते में 10,025 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। करीब 2,82,00,000 बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को 1,405 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा पीएम किसान की पहली किश्त के तहत 8 करोड़ किसानों को 16,146 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। EPF योगदान के रूप में 68,775 प्रतिष्ठानों में 162 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, जिसमें से 10.6 लाख कर्मचारियों को फायदा मिला है। 2.17 करोड़ बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 3,497 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद दी गई है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक 1 अप्रैल 2020 तक देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 38 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खुले। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों की जमा राशि 8 अप्रैल 2020 को समाप्त हुए सप्ताह में 1.28 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई। ये राशि 1 अप्रैल 2020 को 1.20 लाख करोड़ रुपए थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 22 अप्रैल 2020 तक 1.19 राशन कार्ड द्वारा किए गए 39.27 करोड़ लाभार्थियों को 19.83 लाख मीट्रिक टन अनाज वितरण किया गया है। इसके अलावा 1,09,227 मीट्रिक टन दलहन को विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को भी भेजा गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 22 अप्रैल 2020 तक लाभार्थियों को 2.66 करोड़ फ्री सिलेंडर डिलीवर किए गए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। संपूर्ण भारत का 24 अप्रैल 2020 का मौसम का पूर्वानुमान। अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्य बारिश और गरज के साथ बौछारें जारी रहने के आसार है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय ओडिशा, केरल, दक्षिणी कर्नाटक और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर, जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में एक दो जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। राजस्थान के कई स्थानों पर बारिश होने और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा और दिल्ली, उत्तर व पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और आंतरिक तमिलनाडु में एक दो स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही देश भर की ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।